दिस न्यूज प्रोड्यूस्ड बाय सनराइज अपार्टमेंट। गोबरवाही पुलिस स्टेशन में 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला पुलिस अमलदार, महिला सरपंच, सामाजिक कार्य करने वाली महिलाएं, गृहिणी, स्कूली छात्राएं आदि महिला शक्तियों के लिए भंडारा पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव, अपर पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, उप विभागीय पुलिस अधिकारी संतोष सिंह बिसेन एवं गोबरवाही पुलिस स्टेशन थानेदार दीपक पाटिल इनके मार्गदर्शन पर गोबरवाही पुलिस उपनिरीक्षक विलास करंगामी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला पुलिस अमलदार प्रगति वैद्य, मोहिनी राउत, सुनीता शेंद्रे इनका शॉल, श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम में अपने संघर्षशील जीवन से प्रेरणा लेकर शांताबाई बावनकर द्वारा लिखित वारवंटातील पाउलवाट इस किताब का विमोचन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरकारी अभियोक्ता प्रथम श्रेणी न्यायालय तुमसर के श्रीराम मैडम ने की। प्रमुख उपस्थिति ज्येष्ठ महिला शांताबाई महादेव बावनकर, भूतपूर्व मुख्याध्यापिका चंद्रसेना लांजेवार, सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाताई पेंदाम, शांताबाई धीकार, नम्रता बघेल, ज्योत्सना किरपाने, सारिका कोतपल्लीवार, डॉक्टर शिल्पा दहीवले भोसकर, साथ ही विवेकानंद तंत्र निकेतन छात्राएं उपस्थित थी। कार्यक्रम में सरकारी अभियोक्ता तुमसर सारिका कोतपल्लीवार, चंद्रसेना लांजेवार, बावनकर इन्होंने महिलाओं को प्रेरित करने वाले व्याख्यान दिए एवं महिलाओं ने अपना लक्ष्य कैसे हासिल करे इस संदर्भ पर मार्गदर्शन किए। कार्यक्रम की प्रस्तावना विलास करंगामी पुलिस उपनिरीक्षक पुलिस स्टेशन गोबरवाही ने किया। उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने में गोबरवाही थाने के मनोज साकुरे, राहुल प्रत्येकी, रूपेश ठाकरे साथ ही सभी पुलिस अमलदार महिला व पुरुष सैनिकों ने अतुलनीय योगदान किया। खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।